मम्मी खाएंगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी इंशाल्लाह। जी जी अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? तैयबा के अब्बू का, रिश्ते के लिए हां कर दिया उन्होंने। मैंने तो मंगनी की तारीख भी ले ली। क्या, कब की? इसी हफ्ते की। अरे तानी, मैं तुम्हें इतनी खुशी की खबर सुना रहा हूँ, अकलौते बेटे की मंगनी हो रही है और तुम इस फालतू मैगजीन में सर दिए बैठी हो। हाँ तो क्या करूँ फिर? क्या करूँ क्या मतलब? भाई बाजार जाओ, आने वाली बहू के लिए शॉपिंग करो मंगनी की। मुझसे नहीं होते ये फजूल के बाजारों के चक्कर, उसे दे दें पैसे, खुद ही ले लेगी जो लेना होगा। अरे कैसी बातें कर रही हो, ये कहाँ होता है? मैं ये मंगनी होने दे रही हूँ ना, बस इतना ही काफी। इससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बार बार पूछेंगे, मैं बार बार एक ही बात। सोके मम्मी, सोके ठीक है। क्या ठीक है रयान? ठीक है ना बाबा, बस वो कह दूंगा वो खुद कर लेगी शॉपिंग, और बेहतर है कि वो अपनी मर्जी से ही चीजें ले ले। अच्छा मेरे लिए भी कुछ खाने को लाओ। अरे तानी बेगम, ये ताहिर साहब की कोई कॉल आई कि नहीं आई? नहीं अभी तक तो नहीं आई। क्यों? अरे बेटी दे रहे हैं उन्हें हम, एक कॉल तो बनती है। आ जाएगी, एक आध दिन में आ ही जाएगी। वैसे वो कपड़ों के नाप के लिए तो फोन करेंगे ना। हाँ हो गई? हाँ बस हो गया। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। इस्माइल भाई हैं? बैठे हैं चाचू दुल्हन चची के साथ। चले ना, अब आपके ऐसे भी इजाजत लेंगे। वकील साहब आए हैं चाचू। देखेगा डर गया। सुधरना मत तुम कभी। ऐसे क्या कर दिया मैंने? तुम्हारा मंगेतरी खपती है। जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ। ऐसे मेरे साथ देख के खामखा शक करेगा तुम पे मेरी वजह से। और तुम्हारे लिए तो कितनी फखर की बात है। और तुम्हारे लिए तो नहीं है।